अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो रिश्ता मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, ये जो खातून है जिनका रिश्ता है, इनकी उम्र जो है इस वक्त वो 46 ईयर है, यानी कि 46 बरस है। तो ये रिश्ता उन हमारे दोस्तों के लिए है, अफराद के लिए है जिनकी उम्र 60 साल तक हो, यानी कि इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसके अलावा जो है, ये जो खातून हैं जिनका रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनका नाम है सलमा बीबी। सलमा बीबी जो हैं, इनकी उम्र 46 बरस है, मुसलमान है, फ़िरका सुन्नी है। इसके अलावा जो है, ये तलाक़ याफ्ता खातून हैं, तकरीबन 4 साल हो गए हैं इनको अपने शोहर से अलहदा हुए। तो अभी जो है, ये अपने जो है भाई बहनों के साथ, यानी कि अपने पेरेंट्स के घर पर रहती हैं, जो कि जेहलम में है, सूबा पंजाब का सिटी है जेहलम, वहाँ पर ये रहती हैं अपने पेरेंट्स के घर पे। इनकी जो है 2 बेटियाँ और 1 बेटा, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे भी इन्हीं के साथ ही रहते हैं। तो ये जो है 6 बहन भाई हैं। तो सलमा जो है, इनका नंबर जो है वो सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ी है घर में। तो बाकी जो है 3 बहन भाई, 3 बहनें और 1 भाई इनके अलावा जो है वो भी शादीशुदा हैं, बाकी जो है अभी कुंवारे हैं। तो इनके जो वालिद साहब हैं, मोहम्मद लतीफ़ साहब, वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की दोबारा से शादी कर दें। तो इसी सिलसिले में जो है, इनको किसी ऐसे रिश्ते की तलाश है कि लड़का जो हो उसकी उम्र चाहे 60 साल तक हो, लेकिन अच्छे घराने से हो, अच्छे ख़ानदान से हो, ठीक ठाक कमाता हो, पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो। तो वो जो है, एक बात यहाँ जो है गौर से ज़रूर सुन लें कि शादी के बाद सलमा जो है, इनके जो बच्चे हैं वो इनके साथ ही रहेंगे, तो इसलिए वही दोस्त मर्द हज़रात इस रिश्ते में के लिए हमसे रब्ता करें, जो इनके बच्चों को अपने बच्चे बना कर रख सकें, यानी कि इनकी जिम्मेदारी भी उठा सकें। तो वो दोस्त मर्द हजरात जो चाहते हों इनसे बात करना, शादी के बाद मिलना, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए, तो वो जो है अपना मोबाइल नंबर और अपनी तमाम तर तफसीलात वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें, और हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।